साकेत दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को उठा लिया है बस में, और बस में उठाकर यहाँ मंदिर मार्ग थाने लेकर आ गई है। मेरे साथ हमारे साथी हिमांशु तिवारी है, गोविंद मिश्रा है, ऋषभ रंजन है, प्रशांत कमल है, अर्जुन है, दिव्यांश है, संदीप फौजी है और हमारे साथी हैं अंकित है, जिन लोगों को इस वक्त पुलिस ने डिटेन कर दिया। मेरे हिसाब से बिल्कुल बेमतलब ढंग से, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अब आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी है कि क्या इस वक्त इस देश में देश के बेरोजगार युवाओं के साथ सॉलिडेरिटी में सिंबॉलिक ढंग से पीसफुल ढंग से खड़ा होना भी अपराध हो गया है? हम तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुए थे क्योंकि जो हमारा साथी सचिन है, जिसने हरियाणा में आत्महत्या कर लिया, इस अग्निपथ स्कीम से त्रस्त होकर अवसाद में आकर, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए दोपहर से ही गोविंद की पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, SHO से लेकर SCP DCP सबसे बात हो रही थी, हर किसी के साथ हम कोऑर्डिनेशन में थे और हर कोई जो बात हमको कह रहा था उसकी बात हमारे साथ ही मान रहे थे। आपको अगर ये भ्रम होगा कि किसी तरह का उपद्रव किया जा रहा था, किसी तरह का डिसरप्शन हो रहा था, कोई डिसरप्शन नहीं हो रहा था, बिल्कुल पीसफुल ढंग से, एक्सट्रीमली पीसफुल, इतना पीसफुल कि वहाँ जो लोग इकट्ठा थे वो सवाल करने लग गए कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बावजूद ये सीधा ऊपर से इंस्ट्रक्शन था, आपको सवाल करना चाहिए कि सरकार को इतनी दिक्कत क्या, क्यों सरकार आमादा थी कि हर हाल में इन लोगों को उठा लेना है। हम लोगों से इतनी क्या परेशानी है सरकार को, और युवाओं से इतना क्या खौफ है? कौन सा गलत सवाल हम पूछ रहे हैं? ये सवाल अगर हम पूछ रहे हैं कि 3 साल से आपने भर्ती नहीं निकाली, और जब आपको भर्ती निकालनी है तो जो लोग ओवर एज हो गए उनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते, अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप सेना में ये अग्निपथ के नाम पे 4 साल के लिए कौन सी नौकरी दे रहे हैं, 4 साल तो ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग देके आप क्या करेंगे? आप उन पूंजीपतियों का सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे सेना से आए हुए लोगों को? आप क्या करना चाहते हैं? आप सेना को कमजोर करना चाहते हैं? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना चाहते हैं? इस देश के साथ समझौता करना चाहते हैं? ये जो योजना है ये सिर्फ युवा विरोधी नहीं है, ये सेना विरोधी भी है, और इसके खिलाफ आप सबको आवाज उठानी चाहिए, और आपको सबसे पहले अभी तो इस पे आवाज उठानी चाहिए कि क्यों हमको यहाँ पे उठाकर पुलिस ने रख लिया है, हमारा क्या अपराध है बताए ना। लोकतंत्र में रहते हैं हम ना, या नॉर्थ कोरिया में हम रहते हैं, जहाँ शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से सवाल करना भी अपराध है, जहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से अपने किसी युवा साथी के आत्महत्या पर श्रद्धांजलि देना भी अपराध हो गया है। तो अब जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जिस भी माध्यम से दिख बोल सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस माध्यम से भी, मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरीके से ये सवाल करिए कि पुलिस ने हमको क्यों उठाकर थाने में रखा हुआ।